हेलो गाइस वेलकम बैक आज से हम जो हमारी सी वाली प्लेलिस्ट थी उसमें और वीडियोस ऐड करने जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे बेसिक ऑफ सी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ मेल्स आए हैं मेरे पास में कि आप इस वाली प्लेलिस्ट को जरूर से अपडेट कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही कम वीडियो थे तो आज से हम उसको शुरू करने वाले हैं तो उसमें पहला ही टॉपिक है फंक्शन तो क्योंकि फंक्शन के बाद जब आती है तो रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप्स की भी बात आती है तो इसलिए आज फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम देख रहे हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं सी में है, और कौन सा डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है ताकि कोई एकदम बेसिक से सीख रहा हो जिसने अब तक बुक भी नहीं उठाई थी उसको भी चीजें अच्छे से समझ में आए ठीक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो जिनका भी सी लैंग्वेज का है सब्जेक्ट और चलिए फटाफट -फड़ से पढ़ाई हम शुरू करते हैं ठीक है तो यहां पर है कि देखो सी में क्या होता है या किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपका वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो एक किसी डेटा टाइप का होता है मतलब यानी ये फिक्स कर देते हैं हम शुरुआत में ही कि ये जैसे मान लो एक ए नाम का वेरिएबल है तो वो किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करने वाला है क्या उसमें नंबर्स रहेंगे या वो अल्फाबेट्स वाला होगा अब नंबर्स हैं तो हो सकता है नेगेटिव नंबर्स हो पॉजिटिव हो या फिर डेसिमल वाले नंबर्स हो तो ये सारी जो चीजें हैं ये किससे फिक्स होती हैं उसके डेटा टाइप से डेटा टाइप ये भी बताता है कि वो जो आपका वेरिएबल है उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं और वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा ठीक है तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी कौन बता देता है उसका डेटा टाइप ठीक तो हम फटाफट से अब देखना स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो भी है ये वही दिया हुआ है देखिए ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी हर डेटा टाइप की अलग अलग मेमोरी कैरेक्टर एक बाइट लेगा या अगर अभी अपडेटेड वाला देखोगे तो एक से ज्यादा ले सकता है बट इंटीजर चार बाइट लेगा डबल आठ बाइट लेगा ठीक है तो ऐसे हर डेटा टाइप का अपना फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है साथ ही साथ में उसके ऑपरेशन भी फिक्स होते हैं कि जैसे दो नंबर एड होंगे लेकिन दो अल्फाबेट्स एड नहीं होंगे कभी भी है ना अपेंड होते हैं पीछे एक तो ये बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है टाइप्स देख लेते हैं उनका डिस्क्रिप्शन और फिर हम एक एक टाइप को देखेंगे तो देखो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये होते हैं एकदम बेसिक ठीक है तो बेसिक में हमारे पास में रहेंगे इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डबल बस इतने ही उसके बाद कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड मतलब उस डेटा टाइप के बारे में यूजर ने बताया है कि इसमें क्या क्या रहेंगे तो इसमें आएगा आपका स्ट्रक्चर यूनियन ये सारे आ जाएंगे क्योंकि एक स्ट्रक्चर अगर मैंने स्टूडेंट का बनाया है तो मैं डिसाइड करूंगी कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे और जब स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा एक डेटा टाइप डिराइव्ड टाइप्स क्या होते हैं ये जो बेसिक टाइप थे इनसे जब हमने डिराइव किए तो वो हो गए डिराइव्ड टाइप्स जिसमें आगे आपका अरे ठीक है तो ये बेसिक टाइप से मिलके बनता है रे अगर आपको नंबर्स बहुत सारे चाहिए एक साथ तो हम इंटीजर अरे लेंगे अल्फाबेट्स चाहिए तो अल्फाबेट अरे लेंगे ठीक तो अब यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट आया है ये देखो पहला जो हमारा डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर डेटा टाइप तो यहां पर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करना है वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है या जीरो भी हो सकती है बट उसमें डेसिमल पोर्शन नहीं होगा ठीक है जैसे हम लिखते हैं ना फाइव पॉइंट थ्री टू तो पॉइंट थ्री टू वाली चीज स्कीप हो जाएगी ये होल नंबर को ही स्टोर करेगा ठीक है अब इसकी जो रेंज होती है ये आपको यहां पर रेंज दी हुई है और ये जो है ये चार बाइट लेता है मेमोरी में ठीक है एक बाइट में कितने बिट होते हैं आठ बिट का एक बाइट होता है तो यहाँ चार बाइट है यानी आठ चौक बत्तीस बिट्स का हमारा एक इंटीजर होगा अब सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है तो परसेंट डी किसको डिनोट करेगा हमेशा इंटीजर को उसके बाद में हम आ जाते हैं आ, सिंटेक्स क्या होता है तो ये देखो ये है सिंटेक्स अगर मुझे एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा तो हम लिखेंगे इंच इंट क्या है की वर्ड ये डेटा टाइप बता रहा है इंट स्पेस देखिए आप लिख दोगे एक तो वो एक ऐसा हो जाएगा इंटीजर टाइप का अगर एक से ज्यादा लेना है तो हम लिखेंगे इंट एक वेरिएबल का नाम कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल का नाम कॉमा लगा के तीसरा जितने भी लेना है और आखिरी में लगेगा सेमी कॉलन इसको बोलते हैं सिंटेक्स ठीक है सी में जैसे हमारे हिंदी में पूर्ण विराम से स्टेटमेंट एंड होता है इंग्लिश में फुल स्टॉप से वैसे ही सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट अगर खत्म करना है तो सेमी कॉलन लगाना है ये जो कॉमा और उसके ऊपर डॉट दिख रहा है इसी को बोलते हैं कॉलन ठीक है तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है कैरेक्टर डेटा टाइप इसमें क्या होगा यहाँ पर आप में आपका वेरिएबल सिर्फ एक अल्फाबेट को स्टोर करेगा और इसकी जो विथ होगी वो होगी एक बाइट की ठीक है ये सबसे बेसिक डेटा टाइप्स देख रहे हैं हम और ये आपके सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा एक बाइट की मेमोरी है जो कि रेंज करेगा से 127 या फिर जीरो से 255 तक की बिट्स को होल्ड करेगा इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा मतलब मुझे अगर किसी कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो मैं परसेंट सी लिखूंगी आपके प्रिंट मेथड के अंदर है ना प्रिंट फंक्शन के अंदर अपन जब परसेंट सी लिखेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट होगा तो अभी सिर्फ ये याद रखना है आपको कि कौन लोड नहीं देना तो चीजें और समझ में आएगीयर्ड लिया है जो बताएगा कि कैरेक्टर है उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम ठीक तो ये वेरिएबल अपना जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि ये वाला वेरिएबल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा ठीक है एक से ज्यादा होंगे तो कॉमन लेवल के सबके नाम और आखिरी में सेमिकॉलन अगर एक ही है तो डायरेक्ट नाम और सेमिकॉलन उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लोट फ्लोट क्या है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मतलब जैसे 3.72 या कुछ भी पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट्स लेना थी आपको वो यदि आप चाहते हो तो इंटीजर तो काम करेगा नहीं क्योंकि वो होल नंबर ले रहा था तो इस टाइप की वैल्यूज के लिए हमारे पास में है फ्लोट ठीक है ये आपकी डेसिमल और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को होल्ड करेगा ठीक सिंगल प्रशन तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने रेंज बता रखी और इसकी जो साइज होगी वो होगी चार बाइट फ्लोट की भी जो है फोर बाइट रहेगी इसका स्पेसिफायर रहेगा परसेंट एफ और अगेन इसके लिए जो की वर्ड यूज होगा वो होगा फ्लोट केस सेंसिटिव है हमारी सी लैंग्वेज इसलिए सब छोटे वेरिएबल्स लिखे हैं ना कीवर्ड जो है हमेशा छोटे उसमें आएंगे छोटी एबीसीडी में स्मॉल एल्फाबेट्स ठीक है लोअर केस में और यहाँ वेरिएबल का नाम आपका कैपिटल भी हो सकता है लेकिन की वर्ड हमेशा किस में होंगे स्मॉल में तो फ्लोट के बाद आपने जो भी लिखा वो वेरिएबल कैसा बन गया फ्लोटिंग टाइप का तो फिर आप वो आपकी डेसिमल वाली वैल्यू उसको भी होल्ड करेगा ऐसे नेक्स्ट आया हमारे पास में डबल अभी देखो फ्लोट में हमने बताया कि सिंगल प्रसिशन ले रहा है मतलब पॉइंट के बाद में एक ही नंबर ले रहा है यदि हमको ज्यादा चाहिए तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा डबल लेना पड़ेगा ये प्रिसीशन मतलब क्या होता है डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यूज है वो कितनी डिजिट है एक दो तीन उसी को क्या बोलते हैं प्रिसीशन तो फ्लोट से ज्यादा रहेगा तो अब उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा ये आपके मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा लेगा ठीक है तो देखे यहाँ पर तो मेमोरी में स्पेस कितनी ले रहा है एट बाइट और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एल एफ और यहाँ क्या लिखेंगे हम इसके लिए कीवर्ड कीवर्ड लिखेंगे डबल डबल उसके बाद वेरिएबल का नाम और सेमिकॉलन सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और यदि सी के किसी एडवांस टॉपिक पे आपको भी अर्जेंट नीड है अपने सिलेबस uh, के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर से बताइए तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी उस वाले टॉपिक को देंगे जो आप रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग